वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करेंगे ओल्ड नेक्सॉन वर्सेस 2023 टाटा नेक्सॉन जो जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। हम इन दोनों मॉडल्स के बीच में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स एक्सटीरियर लुक्स एंड फीचर्स, इंटीरियर सेफ्टी फीचर्स, इंजन वाइज, मतलब कि हर एक डिटेल कवर करेंगे। एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको न्यू नेक्सॉन में क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस नेक्सॉन। सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना बिना स्किप करे हुए, ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएं। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों मॉडल्स के एक्सटीरियर लुक्स एंड फीचर्स को। जैसा कि आप सामने देख ही पा रही होंगे, आपको पुरानी नेक्सॉन में हेडलैम्प की पोजीशन नॉर्मल देखने को मिलेगी, यानी कि ऊपर और नीचे बम्पर में फॉग लाइट देखने को मिल जाती है। पर आपको 2023 टाटा नेक्सॉन में एकदम हैरियर वाला स्टाइल देखने को मिलेगा, यानी कि हेडलाइट की जगह आपको डीआरएल देखने को मिलेगा। एंड जो इसकी मेन हेडलाइट होने वाली है वो आपको बम्पर में देखने को मिलेगी, वो टोटली न्यू स्टाइल की होने वाली है, फुल एलईडी होगी। एंड आपको बम्पर में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, उसके साथ आपको फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा 2023 टाटा नेक्सॉन में फ्रंट से। साइड लुक की बात करें, साइड में मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला, बस आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स न्यू स्टाइल के देखने को मिल जाएंगे 2023 टाटा नेक्सॉन में, उसके साथ आपको ORVM में कैमरा देखने को मिल जाएगा। रियर प्रोफाइल की बात करें, रियर प्रोफाइल में तो आपको नेक्सॉन में, यानी कि पुरानी वाली नेक्सॉन में, एकदम बेकार टेल लैंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एकदम मेंढक की आंखों जैसे। उसके साथ अगर हम बात करें 2023 टाटा नेक्सॉन की, इस गाड़ी में आपको इस बार फुल LED इंटेग्रेटेड टेल लैंप प्रोवाइड किया जाएगा जो एकदम लंबा होने वाला है। उसके साथ आपको इस गाड़ी में सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको महंगी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। एंड आपको न्यू नेक्सॉन में बम्पर भी मॉडिफाइड देखने को मिलेगा, बाकी आपको फीचर्स वही सेम देखने को मिलेंगे, जैसे कि रियर वाइपर, रियर कैमरा एंड रियर डिफॉगर। और अगर आप 2023 टाटा नेक्सॉन के वाइपर की पोजीशन देखेंगे, वो आपको ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि उल्टी, जैसे आपको लैंड रोवर या रेंज रोवर गाड़ियों में देखने को मिलती है, यानी कि एकदम प्रीमियम। उसके साथ आपको रूफ में वही फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रूफ रेल्स विद शार्क फिन एंटीना एंड छोटा सा सनरूफ। सो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों मॉडल्स के इंटीरियर को। जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे, ऊपर वाला ओल्ड नेक्सॉन का और नीचे वाला न्यू नेक्सॉन का। अगर हम बात करें न्यू नेक्सॉन की, इसमें आपको इस बार 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा विद ग्लोइंग लोगो, यानी कि जो टाटा का लोगो होगा वो आपको ग्लो करता हुआ नजर आएगा। एंड अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, आपको न्यू नेक्सॉन में एकदम फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। पहले आपको नेक्सॉन में ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिलता था, पर इस बार एकदम न्यू विद फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड वो कलर्ड होने वाला है। एंड अगर बात करें इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, पहले आपको छोटी इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलती थी 7 इंचेस की, अब आपको 10.25 इंचेस की फुल टच स्क्रीन प्रोवाइड की जाएगी विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एंड आपको इस बार इसमें 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। AC कंट्रोल्स की बात करें, पहले आपको नेक्सॉन में ओल्ड स्टाइल के AC कंट्रोल्स देखने को मिलते थे, पर अब आपको 2023 मॉडल में एकदम फुल टच स्क्रीन प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी फीचर्स की बात करें, बाकी आपको ऑटो ORVM, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स, ऑल स्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलेंगे। सो आपको टाटा नेक्सॉन 2023 में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स एडवांस देखने को मिलेंगे, खासकर इसके इंटीरियर में, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक भी देखने को मिल सकती है, पर ये कन्फर्म नहीं है। सो ये बात कर ली हमने इन दोनों मॉडल्स के इंटीरियर की, बाकी आपको बूट स्पेस बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा एज प्रीवियस नेक्सॉन। सो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों मॉडल्स के सेफ्टी फीचर्स को। आपको पुरानी नेक्सॉन में सिर्फ 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, चाहे आप इसका बेस मॉडल लो या फिर इसका टॉप एंड वेरिएंट। पर आपको 2023 नेक्सॉन में इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में ABS, EBD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें 2023 टाटा नेक्सॉन में आपको क्या खास देखने को मिलेगा, जो अपनी सेगमेंट में पहला फीचर होने वाला है, यानी कि इस सेगमेंट में, वो है अडास के फीचर्स। जी हाँ, 2023 टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट में पहली गाड़ी होगी जो आपको अडास प्रोवाइड करके देगी। ऑन द अदर साइड, ब्रेजा, वेन्यू, इवन KS100 में आपको अडास के फीचर्स नहीं देखने को मिलते, पर जब 2023 टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आएगा, इस गाड़ी में आपको अडास के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे।
सेम एज 2023 टाटा हैरियर एंड सफारी रेड डार्क एडिशन। सो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों मॉडल्स के इंजन ऑप्शंस को। बेसिकली इंजन्स तो आपको इन दोनों मॉडल्स में बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, पर पावर फिगर्स में डिफरेंस होने वाला है अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ। डीजल इंजन तो आपको वही सेम देखने को मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 113 bhp ऑफ पावर एंड अराउंड 250 nm ऑफ टॉर्क। पर अगर हम बात करें इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन की, इस गाड़ी में आपको टोटली न्यू 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा पहले से ज़्यादा पावर, यानी कि अराउंड 125 bhp ऑफ पावर एट द रेट 225 nm ऑफ टॉर्क। यानी कि पेट्रोल इंजन में आपको इसमें ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी पहले से अपडेटेड न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन आपको टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। बाकी ट्रांसमिशन की बात करें, आपको पहले भी नेक्सॉन में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड वही 2023 में भी कैरी ऑन कर दिया जाएगा। पर 2023 टाटा नेक्सॉन आपको DCT गेयरबॉक्स के साथ भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसका लाइव सबूत देखना चाहते हैं, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे, ये तब की इमेजेस हैं जब टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट टेस्टिंग में था एंड आप साफ साफ देख पा रहे होंगे DCT लिखा हुआ है इधर। सो यहाँ से कंफर्म होता है कि टाटा नेक्सॉन में आपको ऑटोमेटिक मैनुअल उसके साथ DCT गेयरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद लगाता हूँ कि मैंने आपको 2023 टाटा नेक्सॉन जो कि अपकमिंग नेक्सॉन है एंड आपको पुरानी नेक्सॉन में डिफरेंस बता दिया होगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं नेक्सॉन लेने की इस साल, सो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप रुक जाइए, फेसलिफ्ट का इंतज़ार कीजिए। उस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इंक्लूडिंग लुक्स। सो कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट करके बता देना। मेरे हिसाब से ये गाड़ी बेस्ट इन इट्स सेगमेंट होने वाली है, यानी कि इससे ज़्यादा फीचर्स आपको इस सेगमेंट में नहीं देखने को मिलेंगे जितनी टाटा नेक्सॉन प्रोवाइड करके देगी। खासकर इसका स्टीयरिंग व्हील जो कि 2-स्पोक है, जो देखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है एंड आपको ग्लोइंग लोगो देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया फीचर लगा मुझे। सो कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट करके बता देना एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं फ्यूचर में इससे भी बढ़िया कंटेंट लाऊंगा। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।